Hello students, good afternoon all, good afternoon, Jai Hind. So welcome back, good to see you all here again. So in today's session, I'll be starting off with one of the most interesting topic about the Indian Armed Forces, which is the weapons. Clear? तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ वेपन्स डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से प्राइमरी वेपन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो वेदर वी आर यूजिंग सम गन्स, स्पेशलाइज्ड गन्स, ओके, और वी आर यूजिंग द ग्रेनेड लॉन्चर्स, मोर्टार लॉन्चर्स, और वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएवीज. ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज स्पेसिफिक वेपन्स विद यू इन दिस सेशन टुडे. Yeah, so good afternoon all, good afternoon, Jai Hind. I welcome each one of you here in the session today. So all of you who have joined me now in the session, I welcome each one of you here. I hope every one of you are doing good. So aaj hum log ye session start karenge equipments ke bare mein. Primarily ye jo pura session hai ye bhi main do parts mein aapke liye lekar aaunga. Aaj main aap logon ke sath primarily जो आपके मोबाइल वेपन्स हैं उनका हम लोग इस्तेमाल डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मोबाइल वेपन्स जैसे गन्स, टैंक्स, यूएवीज, ये सारी चीजें. इसके अलावा कई बार हम लोग जो मिसाइल्स का डिस्कशन करते हैं, दैट आई विल बी डूइंग विद यू इन द सेशन टुमारो. क्लियर, सो दैट यू एक्सटेंसिवली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच ऑल वेपन्स आर यूज. मोर ओवर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो रीसेंट अपग्रेडेशंस हो रहे हैं वो अपग्रेडेशंस भी डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अगर प्रोमिनेंटली इंसास राइफल फेज आउट की जा रही है तो उसकी उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा. ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट भी मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, कई बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में, एग्जाम के अलावा कई बार आप लोगों के एसएसबी इंटरव्यूज में और जनरल डिस्कशन में कई बार वेपन्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पूछ लिए जाते हैं. क्लियर, सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू व्हाट ऑल आर द स्पेसिफिक फीचर्स आल्सो, अलोंग विद द स्पेसिफिक फीचर्स व्हाट आर द रेंजेस, एंड अलोंग विद द रेंजेस वी विल आल्सो डिस्कस दैट इन व्हाट टेरेन फॉर व्हाट पर्पस आर दे बीइंग यूज्ड. क्लियर, सो प्लीज डू वॉच दिस सेशन विद एटमोस्ट कंसंट्रेशन बिकॉज एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, ओके, टुमारो यू विल बी यूजिंग द सेम सेट ऑफ वेपन्स. ठीक है, आपका आप चाहे अकेडमी में जाए, वेदर यू गो टू द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, आर्मी और टू द इंडियन नेवल अकेडमी, आप लोगों को एक बेसिक वेपन ट्रेनिंग दी जाती है हर जगह. So irrespective of whether you are into an operational branch or you are into a ground duty branch, whether you are a boy or you are a girl, okay, ये सारी चीजें आप लोगों को एक basic weapon training जो है वो दी जाती है. तो आज बहुत से ऐसे weapons होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और बहुत से ऐसे students होंगे जिन्हें आगे आने वाले समय में academies में उन्हें use करने का भी मौका मिलेगा. क्लियर, तो चलिए ये सेशन शुरू करते हैं. बट सेशन शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं. बट बिफोर मूविंग ऑन टू इट, ओके, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द ग्रेड अप सुपर स्टूडेंट्स. ठीक है, जो हमारे ग्रेड अप सुपर के सुपर कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, जो प्रीवियस अगर हम सिलेक्शंस की बात करें, वी गेव मोर देन 350 प्लस सिलेक्शंस इन एफकैट अलोंग विद 400 प्लस सिलेक्शंस इन सीडीएस एग्जाम. ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन बी वन अमंग्स देम. सो इफ यू हैवंट स्टिल सब्सक्राइब फॉर द ग्रेड अप सुपर, प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द ग्रेड अप सुपर एंड इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू क्लियर द रिटन एग्जाम्स एज वेल एज द एसएसबी इंटरव्यूज. क्लियर, मूविंग अहेड, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिवली द एजेंडा फॉर टुडे सेशन. ठीक है, आज के सेशन का मेन एजेंडा क्या है. यहां पर मैं आपके साथ आज राइफल्स डिस्कस करूंगा, यूएवीज डिस्कस करूंगा, अनमैंड एरियल व्हीकल, जिससे आप लोग एक लेमैन लैंग्वेज में कई बार आप लोग इसे बोल देते हैं ड्रोन्स. ठीक है, रॉकेट लॉन्चर्स क्या क्या होते हैं, आपने कई बार कश्मीर में पैलेट गन्स के बारे में सुना है कि ये पैलेट गन आखिर क्या होती है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को टैंक्स के बारे में भी बताने वाला हूं. क्लियर, तो
इस सेशन में आप देखेंगे कि काफी चीजें आपको होलिस्टिकली आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वेपन्स विच आर यूज इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स कॉमनली इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जल्दी से आप लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज देयर विल बी सम होलिस्टिक स्टफ दैट यू विल बी लुकिंग फॉर। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं राइफल्स और गन्स के बारे में, ठीक है? और यहां पर पहला जो वेपन आता है, ठीक है, दैट इज इंसास राइफल्स। ठीक है, अब इंसास राइफल की अगर बात करी जाए, ठीक है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ठीक है, 1B1, ये इंसास राइफल कैसे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे दैट इट इज अ 5.56 बाय 45 मिलीमीटर कैलिब्रेटेड गन, ठीक है, और ये एक गैस ऑपरेटेड राइफल है जो एक बार में दो डिफरेंट मोड्स में शूट करती है। एक मोड तो होता है जहां पर एक बार में एक बुलेट शूट की जाती है, एंड सेकंड इट आल्सो हैज अ 3-round बर्स्ट, जहां पर एक बार आप जब ट्रिगर पुल करते हैं देन 3 bullets आर फायर्ड। ठीक है, अब कई बार आप लोग सोचते हैं कि सर ये 3 bullets फायरिंग का सिस्टम क्या है। देखो भाई, इंडिया में अगर हम बात करें, सो इन द कंट्री वी हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, तो ये जो 3-round बर्स्ट सिस्टम है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड सो एज टू कंजर्व द एम्यूनिशन। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो वेपन है, ये नेटो और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा भी ये गन एक्सेप्टेबल की जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंसास राइफल है, इसमें माउंटेन बाउंड जो UBGL है, या फिर जिसे आप ग्रेनेड कई बार बोल सकते हैं, ठीक है, वो ग्रेनेड का भी माउंट करने का ऑप्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो एंड बट है, ये फोल्डेबल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। फोल्डेबल फॉर्मेट बट जो है वो भी यहां पर दिया जाता है। ठीक है, वेट की अगर बात की जाए तो काफी एक लाइट वेट वेपन्स में माना जाता है। 4.3 kg मैगजीन है, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द मैगजीन, मतलब आपका एम्यूनिशन और गन दोनों का वेट ऑलमोस्ट 4.3 kg है। ठीक है, द रेंज इज 400 meters, तो आपके एग्जाम में कई बार ये रेंजेस से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, लेंथ ऑफ वेपन जो है विदाउट बेने, ठीक है, बेनेट के बिना, मतलब उसमें जो आगे एक वो चाकू लगा होता है उसके बिना, ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी इज 20 rounds, ओके, एंड द रेट ऑफ फायर इज अराउंड 600-650 rounds पर मिनट, 600 से 650 गोलियां एक बार में फायर की जा सकती है। क्लियर? तो इंडिया में आप लोग देखेंगे कि ये जो इंसास राइफल है, ये एक इंडिजिनस वेपन के तौर पर, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईशापुर जो है वहां पर ये कंस्ट्रक्ट कराई गई है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कराई गई है, और ये वाइडली आप लोग देखते हैं कि चाहे आप मेट्रो स्टेशन में जाए, मेट्रो स्टेशन में पुलिस पर्सनेल, डिफेंस पर्सनेल, जो पेट्रोलिंग में भी आप लोग देखते हैं, चाहे आम CAPF पर्सनेल हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस से हो, वो सबसे ज्यादा इस वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो वेपन है, इस वेपन को अब आगे आने वाले समय में रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, कई बार इंसास राइफल में हम लोग देखते हैं काफी कुछ कमियां देखी गई थी, जैसे कुछ मैकेनाइज्ड दिक्कतें आती थी कि जो बिफोर इवन द बुलेट वॉज शॉट, ओके, इट बर्स्टेड विद इन द नोजल के बीच में ही फट जाती थी। ठीक है, कुछ ऐसी कमियों को दूर करने के लिए अब इंसास राइफल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर रिप्लेस किया जा रहा है। क्लियर? इंसास 1B1 के बाद अगली इंडियन असॉल्ट राइफल के तौर पर एक और राइफल आती है। ठीक है, और ये एक सिंगल शॉट ऑटोमेटिक वेपन है। ठीक है, तो आप कई बार देख सकते हैं कि इट इज वेरी सिमिलर टू द इंसास, ओके, बट द मेजर डिफरेंस इज दैट इट कैन नॉट बी शॉट इन अ 3-round बर्स्ट मोड। ठीक है, 3-round बर्स्ट मोड जो है उसमें ये फायर नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि इट हैज अ डायरेक्ट गैस टैपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और ये भी एक फोल्डेबल बट फॉर्मेट में आती है। क्लियर? इसके साथ साथ अगर बात करी जाए, ये जो वेपन है, इट ऑल्सो हैज दी प्रोविजन फॉर माउंटिंग दी साइट, मतलब इसके ऊपर कई प्रकार के जो बाइनोकुलर्स हैं वो भी प्लेस किए जा सकते हैं।
कैलिब्रेशन की अगर बात की जाए तो इट द कैलिब्रेशन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द इंसास राइफल, इंसास की तरह एग्जैक्टली सेम यहां पर कैलिब्रेशन दिया गया है एंड इट इज अ गैस ऑपरेटेड वेपर, जहां पर यह सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायरिंग के लिए की जाती है। बट ऑटोमेटिक वेपन जो है उसमें बुलेट एम्यूनिशन कंजर्व नहीं हो पाती, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट प्रेफर्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज अगर बात की जाए, ठीक है, यहां पर अगर वेट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वेट में 3.5 केजी इज विदाउट मैगजीन एंड 4 ऑलमोस्ट 4 केजीज इज विद फुल मैगजीन, तो इसका जो वेट है दैट इज आल्सो कंपेरेबल टू द इंसास राइफल। रेंज इज अगेन कंपेरेबल टू द इंसास राइफल विद 400 मिलीमीटर। ओके, इसके अलावा लेंथ ऑफ वेपन की अगर बात करी जाए तो 895 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वेपन। ओके, मैगजीन कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं अराउंड 20 राउंड्स की दो अलग अलग मैगजीन साइजेस यहां पर अवेलेबल है। एंड हियर इन यू कैन ऑल्सो सी दैट द रेट ऑफ फायर इज अगेन सिमिलर टू 650 राउंड्स पर मिनट। क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहां पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं अरे सर ऐसी गन तो पुलिस भी इस्तेमाल करती है। अरे देखिए, आज का सेशन हमारा प्राइमरीली आर्म्ड फोर्सेस जो इस्तेमाल कर रही हैं उनके ऊपर है, पुलिस भी इस्तेमाल करती हैं और अलग अलग भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे डू यूज सच वेपन्स। क्लियर? ओके, अब अगला यहां पर अगर बात की जाए, ठीक है, अगला आप लोग देखते हैं आती है 9 मिलीमीटर पिस्टल। ठीक है, 9 मिलीमीटर पिस्टल जो है वो एक पर्सनल सेफ्टी पिस्टल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, दूसरा इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेपन है दैट इज यूज्ड इन अ सेमी ऑटोमेटिक फायर मोड। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक फायर मोड जो है वहां पर ये इस्तेमाल की गई एंड इट इज अ रिकॉइल ऑपरेटेड, मतलब जो कई बार रिकॉइल, अगर हम लेमैन देसी भाषा में आप कई बार बोलते हैं ना, अरे यार वो चलाया झटका लग गया हाथ में। ठीक है, अब कुछ लोगों को आप देखते हैं कि रिकॉइल जो है, ठीक है, उसमें रिकॉइल ऑपरेटेड है। ठीक है, अच्छा, कई बार आप लोग कहते हैं कि सर इंसास राइफल इंडिया में इस्तेमाल क्यों की जाती है, क्योंकि इंसास राइफल अभी तक जो हमने प्रीवियसली देखी थी उसमें यहां पर रिकॉइल जो था दैट इज मिनिमल रिकॉइल। ठीक है, ना के बराबर था इंसास राइफल में और एक्यूरेसी इंसास राइफल की बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम 9mm पिस्टल की बात की जाए, ठीक है, ये एक सेल्फ लोडिंग ऑटोमेटिक पिस्टल है। ठीक है, विच इज पॉजिटिवली लॉक्ड एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग। ठीक है, कैलिब्रेशन 9mm जो है दैट इज द कैलिब्रेशन ऑफ दिस पिस्टल। ठीक है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक डबल एक्शन वेपन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। द वेट इज अगेन वेरी लेस अराउंड 935 ग्राम्स। ओके, नॉट इवन अ केजी। ओके, और रेंज इज 50 मीटर्स। ओके, 9mm पिस्टल की जो रेंज है दैट इज 50 मीटर्स। द रेंज ऑफ द वेपन इज 205 मिलीमीटर्स एंड द मैगजीन कैपेसिटी इज अराउंड 13 राउंड्स। ठीक है, तो एक बार में जो मैगजीन है वो 13 राउंड यहां पर उसमें फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकली इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मच सेफर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर एम्यूनिशन यूज की बात की जाए तो यहां पर कार्ट्रिज साइज्ड बॉल एम्यूनिशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग देखते हैं कि 9mm पिस्टल के बाद अगला जो वेपन आता है दैट इज द एंटी रायट गन। ठीक है, अब एंटी रायट गन के बारे में यहां पर अगर मैं इसे बोलूंगा एंटी रायट गन तो किसी को भी पता नहीं चलेगा यार ये एंटी रायट गन क्या होती है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। बट अगर मैं इसका एक थोड़ा फेमस नाम आप सभी को बताऊं, ठीक है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं पैलेट गन। ठीक है, पैलेट गन। ओके, पैलेट गन आप सभी ने सुनी होगी। ठीक है, कश्मीर में जब स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उस समय पर आपने देखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो जो पैलेट गन्स हैं दीज आर दी पैलेट गन्स। ठीक है, जिसे एंटी रायट गन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि सर वो पैलेट आखिर होता क्या है। ठीक है, वो पैलेट आखिर होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि सर रबर बुलेट्स होती हैं पैलेट। नहीं, पैलेट जो है वो रबर बुलेट नहीं होती। ठीक है, पैलेट इज इफेक्टिवली अ हार्ड प्लास्टिक एम्यूनिशन। ठीक है, एक बहुत ही हार्ड
प्लास्टिक जो है उसके फॉर्म का इट इज ऑलमोस्ट दिस मच साइज्ड पैलेट इज लोडेड इनटू इट। ठीक है, तो इसमें जो पैलेट डाला जाता है वो एक बहुत ही हार्ड साइज्ड प्लास्टिक मटेरियल होता है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि सर यहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हमें जब किसी भीड़ को हटाना होता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, वी हैव टू व्हाई डू वी यूज पैलेट गन्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑर्डिनरी गन्स। ठीक है, देखिए ये जो पैलेट गन्स होती हैं, ये पैलेट गन्स किसी को मारने के लिए नहीं होती है, ठीक है, बट पैलेट गन्स सिर्फ एक प्रकार से इंजर करने के लिए होती है। ठीक है, अच्छा, अब कई बार आप लोग सोचेंगे कि सर ये जो पैलेट गन्स थी, इवन दो द पीपल आर यूजिंग, ओके, दे वर पेल्टिंग स्टोन्स अपॉन द फोर्सेस, why were we using the pellet guns? देखो, pellet guns कई बार क्या होता है कि सबसे पहले इस्तेमाल pellet guns का वो शुरू किया गया था नक्सल एरियाज में, ओके, नक्सल एरियाज में क्या होता था कि जब CRPF और सिक्योरिटी लोकल स्टेट पुलिस ऑपरेशंस के लिए जाती थी तो वहां पर स्टेट पुलिस के पास एक दिक्कत आती थी, क्योंकि भीड़ में से ये नहीं पहचाना जा सकता था कि एक नॉर्मल सिटीजन कौन है और एक नक्सलाइट कौन है। ठीक है, इसलिए यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो पैलेट गन्स थी, ये जब किसी के लगती थी, ठीक है, ये बहुत यूनिक निशान बन जाता था, और ये जो पैलेट था इट वेंट सम 2-3 inches डीप इनसाइड द स्किन, फ्लैश में जो लगता था मांस उसमें घुस जाती थी। ठीक है, अब ये पैलेट गन्स का इस्तेमाल कैसे होता था? यूजुअली पैलेट गन्स जो थी वो कभी डायरेक्ट नहीं चलाई जाती थी, ठीक है, और उसे एक डिफ्लेक्शन मोड में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, कि डिफ्लेक्ट करके वो किसी को इंजर करे। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती थी कि पहले पैलेट गन्स का इस्तेमाल होता था और उसके बाद अगले दिन एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जाती थी। सैनिटाइजेशन ड्राइव का मतलब है कि अगले दिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो विलेजेस में और गांव में जाकर देखती थी कि किन्हें किन्हें पैलेट इंजरीज हैं। जिन्हें पैलेट इंजरीज होती थी, इसका मतलब दैट दे वर दी वंस हु वर अमंग्स दैट ग्रुप ऑफ राइटर्स, जो उपद्रवी थे, जो उग्रवादी लोग थे, उनका हिस्सा रहे थे ये लोग। अब पैलेट की एक खास बात रही कि ये जो पैलेट है, वंस इट गेट्स इनटू द फ्लैश ऑफ एन इंडिविजुअल, इट कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली ओनली। क्लियर, तो ये जो पैलेट गन्स थी एक एंटी रायट गन्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। मोस्टली ये जो वेपन था ये पहले स्टेट पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इस्तेमाल करती थी, बट आर्म्ड फोर्सेस जो है वो भी कश्मीर में अब इनका इस्तेमाल करती हैं एंटी रायट वेपन के तौर पर। ठीक है, क्लियर, सो आई होप यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट अ पैलेट गन इज। ठीक है, और पैलेट गन इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो मजल लोडेड गन के तौर पर ये इस्तेमाल की गई, ठीक है, इसके वेट इज अराउंड 3.8 kg एंड द रेंज इज 100 meter। ठीक है, 100 मीटर रेंज है, लेंथ ऑफ द वेपन इज 800 mm ओनली। क्लियर, एंटी राइट गन के बाद अगली आती है स्नाइपर राइफल्स। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर मूवीज देखी होंगी, ठीक है, मूवीज में स्नाइपर राइफल्स जो है काफी ऐसी चीजें हैं विच ड्राइव्स एवरीवन क्रेजी कि भाई एक एक किलोमीटर दूर से गोली मार दी और निशाना लगा दिया गया। ओके, सो दीज टाइप ऑफ वेपन्स दे रियली एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे भी वेपन्स होते हैं। ठीक है, ये स्नाइपर राइफल 8.6x70mm राइफल जो है, ठीक है, ये भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज वेपन। ठीक है, अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो 1500 meter इज द रेंज, सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 1.5 kilometer इज द रेंज। ठीक है, 1.5 kilometer तक ये वार कर सकती है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इवन दो इट इज अंडरगोइंग ट्रायल, ओके, बट वेरियस अदर स्नाइपर वेपन्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, मोड ऑफ फायर, इसमें एक बार में सिंगल वेपन ही फायर किया जाता है। ठीक है, एक बार में सिंगल शॉट फायर किया जाता है। ठीक है, और इसकी मैगजीन की कैपेसिटी 5 होती है। ओके, सो देर इज ओनली फाइव बुलेट्स दैट आर लोडेड इन टू दी मैगजीन एट वंस। क्लियर, अब इस स्नाइपर राइफल के बाद दूसरी स्नाइपर राइफल की अगर बात की जाए विच इज
प्रोमिनेंटली यूज, ठीक है, तो या जो प्रोमिनेंटली जो इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पर स्नाइपर राइफल 7.62 बाय 51 mm मार्क वन स्नाइपर राइफल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट हैज गॉट अ डायरेक्ट लग लॉकिंग विद बैरल, ठीक है। मोड ऑफ फायर सिंगल फायर शॉट होता है यहां पर एंड द रेंज इज 800 मीटर यहां पर सिंगल शॉट है, ठीक है। अगेन ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है 7.62 राइफल का। दूसरी चीज, ये जो स्नाइपर राइफल है दे हैव गॉट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी जो है यहां पर वेपन्स को, इन्हें वेपन्स को दी गई है, क्लियर। नेक्स्ट We have got this tear gas gun, ठीक है, आपने कई बार देखा है कि कहीं दंगे होते हैं, कोई भी भीड़ जुटती है तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर टिन लोडेड शेल्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं, ठीक है, और यहां पर टियर स्मोक एम्यूनिशन के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टियर स्मोक एम्यूनिशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो रेट ऑफ फायर है दैट इज 10 शेल्स पर मिनट, ओके, और ये भी एक सिंगल शॉट वेपन के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है एंड द रेट रेंज इज 50 meters, क्लियर। सो इफेक्टिवली इट इज नॉट टू इंजर एनीवन बट इट इज ओनली टू डिस्पर्स द क्राउड, ठीक है, तो जो टियर स्मोक एम्यूनिशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज द बेस्ट नॉन लीथल वेपन, ठीक है, एक बेस्ट नॉन लीथल वेपन जो है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। अगली आती है यहां पर दी इनफेमस AK-47, ठीक है। अब यहां पर यह सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक वेपन है जो आपने सबसे ज्यादा इसका नाम सुना होगा, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कहीं भी बात की जाती है वेदर इट इज दी स्पेशल फोर्सेस और एनीवन हु यूजिंग दिस वेपन, ओके, तो आप लोग देखेंगे कि AK-47 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली इसका जिक्र किया जाता है, क्लियर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी चीज बता दीजिए दैट व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट या व्हेन डिड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फर्स्ट यूज दिस वेपन। आप मुझे बता सकते हैं कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब ऑर्डर दिया था इस वेपन का, ठीक है, कब पहली बार गन्स खरीदी गई थी सरकार के द्वारा या फौज के द्वारा, ओके, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी दिस। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये द मोस्ट फेमस वेपन और इसके बारे में बहुत ही आपको एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बता सकते हैं कि कब पहली बार फौज ने इसका ऑर्डर दिया, कब ये खरीदी गई, कब से हम इन्हें ऑफिशियली इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, बता सकते हैं आप? कुछ लोग कहते हैं 1950, somebody says 1965, somebody says after Kargil, ओके। अब देखिए, ये एक ऐसा वेपन है AK-47, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कलाश्निकोव, ओके, सो इट वॉज द कलाश्निकोव मॉडल दैट वॉज स्पेसिफिकली यूज्ड, ठीक है, बट आज तक जनरल कलाश्निकोव जो है, जो इमेज आपको दिख रही है, He has never ever given an order to India. आज तक कभी AK-47 का कोई भी order हिंदुस्तान को दिया ही नहीं गया, ठीक है। But आप लोग सोचेंगे, अरे सर अगर कभी order दिया नहीं तो हम ये AK-47 इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक। AK-47 के जो variants हैं वो अधिकतर आप लोग देखेंगे कि AK-47 के जो variants इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, दे हैव बीन ईदर कन्फिस्केटेड फ्रॉम टेररिस्ट्स, ठीक है, जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, या तो उनकी जब्त की गई हैं ये वेपन्स, ठीक है, या फिर आप लोग देखेंगे कि यहां पर जब एक पंजाब का एक दौर था जहां पर पंजाब में बहुत ज्यादा टेररिज्म था, ठीक है, उस टेररिज्म के दौरान सबसे बड़े जो कंसाइनमेंट थे वो कन्फिस्केट किए गए थे, ओके, एंड टिल डेट द आर्म्ड फोर्सेस और द गवर्नमेंट हैव ऑफिशियली नॉट, दे हैवंट बॉट एनी सिंगल AK-47, आज तक एक भी AK-47 ऑफिशियली नहीं खरीदी गई है
फिर भी उसके बावजूद बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि देश में कई जब इंसर्जेंसी और एक टेररिज्म बढ़ने लगा था, सो इट वॉज द टेररिस्ट हु हैड यूज्ड दीज वेपन्स एंड दे हैड गॉट इट फ्रॉम द फॉरेन एजेंसीज। ठीक है, तो अभी तक हम जितना इस्तेमाल करते हैं AK-47 को, दैट इज द ओनली कन्फिस्केशन दैट वी हैव। ठीक है, मोर ओवर AK-47 जो है एक वो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल का वेपन माना जाता है। स्पेशल फोर्सेस में भी आप अगर बात करेंगे तो स्पेशल फोर्सेस हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस फैक्ट दैट दिस AK-47 इज द ओनली वेपन दैट यू लीव इट एट अ प्लेस, यू लीव इट इनसाइड द ग्राउंड फॉर 100 years एंड व्हेन यू डिग इट आउट, ठीक है, जब आप इसे 100 साल बाद जमीन के अंदर गाड़ दीजिए और निकाल लीजिएगा, तब भी सेम एक परफॉर्मेंस इसकी रहेगी। क्लियर, तो एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा वेपन है जिसमें कभी भी मैकेनाइज्ड प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है। ठीक है, अब इसके अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। रशिया जो है वो एक AK-47 का इस्तेमाल करता है हमेशा से, उसके बाद AK-47S रशिया ने इस्तेमाल करी, बल्गारिया ने AK-47, AK-56 जो है अल्बानिया ने इस्तेमाल करी, AK-56 चाइना ने, AK-47 हंगरी ने, और M-70 जो थी वो यूगोस्लाविया सर्बिया ने इस्तेमाल की थी। इंडिया ने भी, जो ऑफिशियली दूसरे देशों से ली गई है, ठीक है, वहां पर AK-56 के काफी कंसाइनमेंट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली बॉट, ओके, बट दी AK-47 हैज नेवर एवर बीन बॉट। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर लोग का सवाल होता है, सर इज दिस अलाउड टू बी यूज्ड बाय टेररिस्ट? देखो, टेररिस्ट को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, दे कैन प्रोक्योर एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, चलो अगली चीज आती है यहां पर, टवोर। अच्छा हाँ, यहां पर कई बार लोगों का सवाल आया कि सर आज तक इंडिया ने खरीदी क्यों नहीं। ठीक है, अब कलाश्निकोव्स के केस में क्या हुआ, दैट इट वॉज वंस कलाश्निकोव विजिटेड इंडिया, ठीक है, and at that time he witnessed that the Indian ordnance factories were trying to imitate the design, ठीक है, जो Indian ordnance factory जो थी वो इस design को imitate करने की कोशिश कर रही थी। This was the reason why no such deal was ever signed in between India and Russia regarding the AK-47। ठीक, इसके बाद अगली आती है टवोर, ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ दी स्पेशल फोर्सेस, ओके, अक्रॉस आर्मी नेवी एयरफोर्स। ठीक है, तो चाहे पैरा एसएफ हो, चाहे आपकी गरुड़ हो, या फिर आपकी मार्कोस हो, टवोर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वेपन एंड इट इज एन इजरायली मेड वेपन दैट इज यूज्ड। ठीक है, इट इज एन इजरायली मेड वेपन। ठीक है, अब अगली चीज आप लोग यहां पर देखते हैं कि 5.46x45mm, तो सेम कैलिब्रेशन है दैट वी हैड इन इंसास। ठीक है, और इसके साथ साथ इट हैज अ 457mm बैरल लेंथ। ठीक है, टवोर जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लेजर गाइडेड वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो बींग यूज एज अ लेजर गाइडेड वेपन इन इंडिया एंड इट इज अ बैटल रेडी इनोवेटिव वेपन विच कैन बी यूज इन एनी कंडीशन। ठीक है, तो चाहे डेजर्ट एनवायरमेंट हो, हिली टेरेन हो, हर जगह इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज डिजाइंड इन कोलैबोरेशन विद द IDF, IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, उनके वो जो है उनके द्वारा ये बनाई गई है एंड इट हैज गॉट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी अंडर ऑल वेदर कंडीशन। क्लियर, टवोर के बाद अगला जो वेपन आता है दैट इज LMG, ओके, लाइट मशीन गन जिसे बोला जाता है। ठीक है, जिसकी रेंज यहां पर 700 मीटर है एंड इट इज एन ऑटोमेटिक गन एंड हैज अ हायर रेट ऑफ फायर देन एनी असॉल्ट राइफल। ठीक है, तो यहां पर जो हायर रेट ऑफ फायर आप कई बार देखते हैं कि ये जो LMG है दैट इज यूज इन असॉल्ट सिचुएशन। ठीक है, उसके साथ साथ इट इज यूजफुल इन ब्रेकिंग द एनिमी फॉर्मेशन अप टू फाइनल चार्ज। ठीक है, तो ये यहां पर एक बहुत ही एक्सेसिव असॉल्ट के लिए इसका LMG जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, LMG के बाद अगली जो यहां पर वेपन आता है दैट इज 7.62mm मीडियम मशीन गन, MMG जिसे आप लोग बोलते हैं। LMG इज लाइट मशीन गन एंड MMG इज मीडियम मशीन गन। क्लियर, इट कैन फायर 600 to 1000 राउंड्स पर मिनट।
ठीक है, तो जिसे आप लोग कई बार बहुत ही एक लेमन टर्म में मशीन गन बोलते थे, वो मशीन गन इफेक्टिवली हम एमएमजी के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज अ रेंज ऑफ अराउंड 1800 मीटर्स. ओके, द 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर इज ऑल्सो बेस्ट सूटेड फॉर इट. ठीक है, इसके अलावा इसका जो एम्यूनिशन बॉक्स है दैट कैन होल्ड 30 ग्रेनेड्स एट अ टाइम. ठीक है, अगली चीज, इट कैन फायर अप टू 2300 meters. ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1800 मीटर से 2300 मीटर के बीच में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है एंड इट हैज बीन फाउंड सूटेबल. क्लियर? ओके, अब 7.62 मीडियम मशीन गन के बाद अगली जो आती है दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इंसास. ठीक है, अगली जो गन आती है दैट इज द बेस्ट सूटेड रिप्लेसमेंट ऑफ इंसास विच इज AK-203. ठीक है, तो पहली बार आप लोग देखते हैं कि यहां पर कलाश्निकोव्स का एक जो फॉर्मल कंसाइनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है दैट इज AK-203. ओके, एंड इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंसास राइफल. ये इंसास का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है. ये एक न्यूली बिल्ट असॉल्ट राइफल है जो अभी तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए इंडक्ट की जा रही है. क्लियर? दिस इफेक्टिवली इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन कोलैबोरेशन विद रशिया और इसका कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरवा अमेठी में भी किया जाएगा. ठीक है, तो ये जो गन है दिस हैज एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 400 मीटर एंड इट इज कंसिडर्ड 100% एक्यूरेट विद अगेन मिनिमम रिकॉइल. मिनिमम रिकॉइल के साथ इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, AK-203 के बारे में भी ये बताया जाता है कि यहां पर ये भी चाहे डेजर्ट हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, सभी जगह ये इस्तेमाल की जा सकती. सो AK-203 इज द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट फॉर इंसास. ठीक है, इसी के साथ साथ इंसास को दूसरी जो गन रिप्लेस कर रही है दैट इज द SIG-716 सिग्स एयर राइफल्स. ठीक है, तो ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है सिग्स एयर. ओके, सिग्स एयर के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जा चुका है. ठीक है, ये 5.46x45mm इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ 66,000 विल बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी. ठीक है, और इसके अलावा 2019 में जब पहला कंसाइनमेंट, ठीक है, सिक्स एयर का पास किया गया था 2020 में, 10,000 राइफल जब इंडिया को भेजी गई थी, द एंटायर 10,000 राइफल्स दे वर गिवन टू द राष्ट्रीय राइफल्स इन कश्मीर. ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स को पहला ये कंसाइनमेंट तब भेज दिया गया था. तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो वेपन है, ठीक है, ये वेपन एक्सटेंसिवली इंडिया में अब यूज किया जाएगा आगे आने वाले समय में. ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट द इंसास राइफल विल बी फर्दर गिवन टू द स्टेट पुलिस. ठीक है, इंसास जो है वो स्टेट पुलिस को दे दिया जाएगा कंप्लीटली, जो अभी तक 202 राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सिग्स एयर और AK-203 का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये जो राइफल्स हैं दे आर बीइंग मेड बाय द यूएस आर्म्स. ठीक है, उसके साथ साथ अभी यहां पर मेजॉरिटी विल बी गिवन टू इंडियन आर्मी एंड सम वेपन्स विल ऑल्सो बी गिवन टू नेवी एज वेल एज द एयरफोर्स. ठीक है, दिस मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग डन बाय यूएस बेस्ड कंपनी एंड विद इन अ ईयर द मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स विल बी सप्लाइड. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इसे साइन किया है सो दैट इन विद इन वन ईयर द मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स शैल बी शेल्ड टू द इंडियन फोर्सेस. क्लियर? अगली चीज यहां पर आती है 84 mm रॉकेट लॉन्चर. ओके, यहां पर ये बेसिकली दिस रॉकेट लॉन्चर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टैंक्स, बंकर्स एंड व्हीकल्स. ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड आल्सो टू इल्यूमिनेट एन एरिया. कई बार आप लोग देखते हैं कि स्मोक फ्लेयर्स छोड़ने के लिए या एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए भी रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस इज आल्सो अ मोबाइल रॉकेट लॉन्चर विच कैन आल्सो बी लॉन्च फ्रॉम शोल्डर इटसेल्फ. ठीक है, शोल्डर लॉन्च भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. क्लियर? अगली चीज जो यहां पर आती है, अगला जो रॉकेट लॉन्चर दैट इज 51 mm मोर्टार. ठीक है, ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव बॉम्ब के तौर तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस मोर्टार कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द बेसिस, द बंकर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द एनिमी. क्लियर? और इसी की तरह आप लोग देखते हैं ग्रेनेड लॉन्चर की तरह इट इज ऑल्सो अ मोबाइल लॉन्च एंड इट कैन ऑल्सो बी लॉन्च फ्रॉम
दी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसे शोल्डर लॉन्च के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। अगला यहां पर आते हैं टैंक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने इफेक्टिवली देखा गन्स के बारे में, लाइट मशीन गन्स और मोर्टार्स ग्रेनेड्स के बारे में। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू दी टैंक्स। ठीक है, और प्रोमिनेंट टैंक्स कौन कौन से इंडिया इस्तेमाल कर रही है। क्लियर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्बैट रेडी मेन बैटल टैंक्स है उनका क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मेन बैटल टैंक्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अ फोर्स। ठीक है, आप इंडिया में कई बार देखते हैं ना आर्मर्ड रेजिमेंट जो बोली जाती है, आर्मर्ड जो बोले जाते हैं, दे आर बेसिकली द टैंक रेजिमेंट्स। ठीक है, और एक असिमेट्रिक वारफेयर की अगर बात करी जाए जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस की भी बात की जाती है, उस सिचुएशन में टैंक्स जो है दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन बैटल टैंक्स दे फायर एट अ वेरी क्लोज टारगेट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन बैटल टैंक्स है, दीज मेन बैटल टैंक्स दे आर बीइंग यूज्ड ओके फॉर अटैकिंग द एनिमी फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर। ठीक है, और यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये इफेक्टिवली एक फुट सोल्जर्स के लिए केक वॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन इज वेरी ह्यूज एंड देन द एरिया कैन बी ओवरपावर्ड इजीली बाय द फुट सोल्जर्स। ठीक, अब यहां पर अगर हम टैंक्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है T-72 अजय मेन बैटल टैंक। ठीक है, ये T-72 अजय मेन बैटल टैंक जो है इट इज बेसिकली अ रशियन मेड, अ सोवियत एरा मेड टैंक। ठीक है, तो सोवियत यूनियन पोलैंड के कोलैबोरेशन से ये बनाया गया टैंक था। करेंटली वी हैव गॉट 968 इन क्वांटिटी ओके, और 1978 में 500 T-72 टैंक्स जो थे दे वर परचेज्ड बाय इंडिया फ्रॉम रशिया। ठीक है, जो मेन गन है दैट इज 125 मिलीमीटर गन। तो आप कई बार देखते हैं कि इंसास राइफल जो 5.62 मिलीमीटर कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करती है उसके कंपैरिजन में 125 मिलीमीटर कैलिब्रेटेड गन्स आर बीइंग यूज्ड इन दीज मेन बैटल टैंक्स। क्लियर। इसके बाद अगला यहां पर आता है T-90 भीष्मा टैंक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, द लार्जेस्ट इन क्वांटिटी। ठीक है, ये जो T-90S भीष्मा मेन बैटल टैंक है ये रशिया इंडिया ओरिजिनेटेड टैंक है एंड करेंटली वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 2000 भीष्मा टैंक्स। ठीक है, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ T-72 अजय। ठीक है, तो ये T-72 अजय टैंक जो है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है T-90 भीष्मा। ठीक है, यहां पर फ्रेंच मेड कैथरीन FC थर्मल साइट एक्सप्लोसिव जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1130 हॉर्स पावर इंजन एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर कैन बी अचीव्ड। क्लियर, तो यहां पर भी जो कैलिब्रेशन है दैट इज अगेन 125 मिलीमीटर कैलिब्रेशन ओके एंड 12.7 मिलीमीटर हैवी मशीन गन हैव ऑल्सो बीन माउंटेड। क्लियर, तो ये मल्टी यूटिलिटी टैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है एंड टॉकिंग अबाउट इन्यूमरस वॉर्स दैट इंडिया हैव फॉट T-90 दे हैव प्लेड अ वेरी सपोर्टिव रोल इन द मेजर ऑपरेशंस ऑफ द आर्मी। क्लियर, इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला आता है अर्जुन मेन बैटल टैंक ओके। अर्जुन Mark 1 मेन बैटल टैंक जो है वो एक थर्ड जनरेशन टैंक है दैट इज डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया एक थर्ड जनरेशन टैंक है। Currently, we have got somewhere around 124 tanks in India and it has a 120 millimeter main gun with armor piercing tin stabilized discarding ammunition. ठीक है, यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन भी यहां पर दी गई है और उसके साथ साथ एक 12.7 मिलीमीटर मशीन गन भी दी गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस इज इफेक्टिवली द मशीन गन माउंट दैट इज बीइंग यूज्ड। ओके, दिस सिंगल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इट हैज गॉट मल्टी फ्यूल डीजल इंजन ओके एंड द टॉप स्पीड दैट इज अटेन्ड इज 67 किलोमीटर पर आवर। क्या कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो द कैपेसिटी इज 4 क्रू मेंबर्स ओनली इंक्लूडिंग कमांडर गनर लोडर एंड अ ड्राइवर। क्या तो ये डिफरेंट जनरेशन जो है डिफरेंट जनरेशन हैव बीन डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइमलाइंस वेयर इन दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। क्या
अर्जुन मेन बैटल टैंक के बाद अगला जो आता है यहां पर दैट इज MK1A। अब अर्जुन का जो अपग्रेडेड वर्जन है, अर्जुन मार्क वन का अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन मार्क वन ए, ठीक है। इसके जो ट्रायल्स हैं वो चल चुके थे और ट्रायल्स क्लियर होने के बाद 2015 ऑनवर्ड्स दे वर इंटीग्रेटेड, ओके। एंड करंटली वी हैव गॉट अराउंड 118 मार्क वन ए अर्जुन टैंक्स। क्या मूविंग अहेड, द नेक्स्ट सेट ऑफ व्हीकल्स दैट वी हैव आर UAVs, ओके, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, जो पॉपुलरली आप लोग ड्रोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट वन इज हेरॉन, ठीक है। और हेरॉन एक्सप्लिसिटली इस्तेमाल किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा तो बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ आर्मी भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये इजरायली मेड UAVs है, ओके, विच आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। अभी तक इंडिया में जो UAVs हैं उन्हें सिर्फ पेट्रोलिंग की परमिशन है, उन्हें सिर्फ पेट्रोलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है अक्रॉस द बॉर्डर लाइंस, ओके, एंड दे आर द वंस हु हैव द प्रोविजन फॉर फर्दर आर्टिलरी मॉडिफिकेशंस आल्सो, ठीक है। फर्दर आर्टिलरी के जो मॉडिफिकेशंस है वो भी किए जा सकते हैं, ओके। तो इंडिया में जो मेन एक जिम्मेदारी दी गई है यहां पर UAVs को, दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पर्पसेस, क्लियर। उसके बाद अगला जो हेरॉन के बाद आता है दैट इज हार्पी, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस इजरायली मेड UAV है, ठीक है। इट हैज द एबिलिटी टू होल्ड एक्सप्लोसिव्स एज वेल एज डिसरप्टर रडार सिस्टम्स। तो एक्सप्लोसिव्स का जो इस्तेमाल है, ठीक है, उसे इस्तेमाल के लिए यहां पर लिया जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो अटैक अपॉन द ग्राउंड सिस्टम्स विच आर द रडार्स, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो एक्ट आउट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी जो है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। बट मेजरली आप लोग देखते हैं कि ये जो UAVs हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर स्लाइटली लार्जर इन साइज, मोर ओवर दे कैन नॉट बी यूज इन अ वेरी डिस्क्रीट एनवायरमेंट बिकॉज दे डू प्रोड्यूस अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑल्सो, ओके। टॉप स्पीड यहां पर 185 किलोमीटर पर आर है एंड इट हैज अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर, ओके। आफ्टर हार्पी वी हैव गॉट द इंडियन अपग्रेडेशंस विच आर निशांत, ठीक है। तो निशांत जो है दैट वाज आल्सो डिजाइंड बाय द इंडियन आर्मी एंड इट इज बीइंग डिजाइंड फॉर द आर्मी बाय DRDO, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इट नीड्स अ कैटापल्ट बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम। तो जैसे गुलेल चलाई जाती है ना, कुछ उस प्रकार से इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल, ओके, और रुकने के लिए एक पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो निशांत UAV है इसका बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया गया था एंड नाउ इट हैज बीन डीफेज्ड आउट। ये इसका एक जो फेज चल रहा है वहां पर धीरे धीरे इंडियन आर्मी जो है निशांत UAVs का इस्तेमाल खत्म करने वाली है, क्लियर। लास्ट यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये UAV सर्चर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इंडियन में आर्म्ड फोर्सेज में नेवी और एयरफोर्स प्राइमरीली इसका इस्तेमाल करते हैं बट द इंडियन आर्मी ऑल्सो यूजेस इट, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सिर्फ रेकी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए जो सर्चर UAV है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। सो दिस सर्चर UAV इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट व्हीकल इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन बिफोर द एडिशनल फोर्सेस अराइव, क्लियर। सो दीज इफेक्टिवली आर द पर्पस। और रिसेंटली जो आपने न्यूज में देखा था रुस्तम जो काफी न्यूज में आया था, ठीक है, ये UAV कॉम्बैट एयर व्हीकल के तौर पर DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इवन तो अभी तक रुस्तम को एक फुल फ्लेज्ड तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा चुका है, ठीक है, और इसमें काफी प्रोविजंस लाए जा रहे हैं ताकि निशांत के जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे उन्हें ओवर पावर किया जा सके, ठीक है। ये जो रुस्तम है, रुस्तम, रुस्तम 2, दीज आर दी वर्जन्स विच हैव गॉट मोर स्पेसिफिकेशंस, रिलायबिलिटी, एंड इफ नीड बी दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ कॉम्बैट मोड, इन्हें कॉम्बैट मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लियर। सो इफेक्टिवली अभी तक इस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में जो डिस्कस किए हैं दे आर दी वेपन्स ऑफ इंडियन आर्मी। इन टुमारोज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी मिसाइल्स, क्लियर। सो टेल मी एनीवन हु हैज गॉट एनी डाउट, ठीक है। प्रिंस दे कैन आस्क यू अबाउट हाउ दीज थिंग्स, व्हेन आर दे, हु हैज डेवलप्ड देम, व्हाट इज द रेंज, इट कैन बी आस्क्ड। और बताइए
Anyone else who has got any doubt in anything that we have discussed till now, please do let me know. I hope all of you would have understood them. Clear? तो ये majority of weapons है. काफी students पूछ रहे थे कि सर AK-47 का क्या फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्तेमाल करते हैं हम लोग. Okay? We do use the AK-47. Okay? बंटी जी PDF मिलेगा. Okay? So today the follow-up sessions will be at 6 PM. 6 PM पर Grade Up app पर I'll be coming up with a quiz related to important weapons, important equipments जो है वो मैं लेकर आऊंगा. And after that session, I'll be sharing the PDF on my Telegram channel, which is Sharad's Defense Circuit. Okay? तो मेरा जो Telegram channel है, उस पर मैं आप लोगों के साथ share करूंगा. क्या? ओके अदिति जी, वो सभी अभी चीजें जो है वो ट्रायल्स में चल रही है. काफी लोग अभी पूछ रहे थे कि सर जो T9 वज्रा टैंक्स हैं जो L&T डेवलप कर रही है, L&T हैज गॉट दी परमिशन एंड L&T इज डूइंग सो. क्लियर? तो अभी तक आज के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो प्रोमिनेंटली दी ऑर्डर्स हैव बीन साइंड और दे हैव डन दी ट्रायल्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट. क्लियर? सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस सेशन. सो प्लीज डू लाइक द वीडियो. ओके, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर दिया किया, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो सेशन विल बी एट 6 PM इन द इवनिंग. ठीक है? अरे पुरुषोत्तम जी, क्यों नहीं किया? बहुत इस्तेमाल करती है इंडिया AK-47. ठीक है? अरे बंटी जी, सामने लिखा हुआ है, आप बताइए क्या टाइम लिखा हुआ है, उसी टाइम पर क्विज करेंगे. क्लियर? Okay, so this was all from my side today. I hope you would have a better idea about them. Tomorrow I'll be discussing at 2 PM. I'll be discussing a very important thing about missiles, ballistic missile, cruise missiles, and different missiles that we have. Clear? So I'll see you all then, and do not forget to join me today at 6 PM on Grade Up app. Clear? So I'll see you all then. Jai Hind.